रिवेंज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो उसका। क्या होता है, कभी कभी हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और वो इंसान हमें धोखा दे देता है। हम उस इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी चीज़ें, लेकिन वो हमें धोखा देकर चले जाता है। हमारी सारी उम्मीदों को वो तोड़ देता है, सारे वादों को वो तोड़ देता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उस इंसान से कैसे बदला लेना चाहिए? सवाल तो ये भी है, क्या बदला लेना सही है या फिर गलत? गाइस देखो, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप बदला क्यों लेना चाहते हो। क्योंकि वो इंसान अपने लाइफ में, मतलब उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है। देखो, हो सकता है कि कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले या फिर कुछ दिन पहले वो इंसान आपके साथ रहना चाहता था, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन कुछ टाइम होने के बाद उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया और वो आपसे अलग हो गया। अब वो अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें कर रहा है जो उसे पसंद है। हो सकता है कि अब वो किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, यानी वो इंसान अपने लाइफ में वो काम कर रहा है जो कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं है, और इसी वजह से शायद आप उस इंसान से बदला लेना चाहते हो। गाइस देखो, एक बात समझ लो, अगर आप किसी इंसान से बदला लेना चाहते हो, इसका मतलब आप उस इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उस इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हो। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना, रिवेंज मतलब क्या? रिवेंज मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। रिवेंज लेना मतलब एक आग का गोला उस इंसान के ऊपर फेंकना, ठीक है? जब आप उस आग के गोले को अपने पास रखते हो उस इंसान के ऊपर फेंकने के लिए, देखो उस इंसान का नुकसान जब होगा तब होगा, लेकिन उसके पहले उस आग के गोले से आप खुद जल जाओगे। यानी जो आपके मन में चल रहा है उस इंसान से रिवेंज लेने के बारे में, आप बदला लोगे तब लोगे, लेकिन जब तक आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो तब तक आप खुद जल रहे हो, तब तक आप अपनी खुशी को खुद बर्बाद कर रहे हो, अपने हैप्पीनेस को ख़त्म कर रहे हो। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? हैप्पीनेस। और आप भी उस इंसान के हैप्पीनेस को ख़त्म करना चाहते हो। हो सकता है वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन गाइस, समझने वाली बात ये भी है कि अगर आप उस इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने के पीछे भाग रहे हो, उस इंसान की ज़िंदगी जब बर्बाद होगी तब होगी, लेकिन उस इंसान के ज़िंदगी के पीछे भागने में आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। यानी आप कहीं ना कहीं खुद का नुकसान ज़्यादा कर रहे हो। तो समझने वाली बात यही है कि आप खुद से प्यार करो, बदला लेने के पीछे आप खुद को नुकसान मत पहुंचाओ, खुद को बर्बाद मत करो, क्योंकि आप यही काम कर रहे हो, आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। देखो, उस इंसान ने आपके साथ गलत किया, वो बात तो हो गई, लेकिन अब आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। इसलिए इस बात पर भी थोड़ा फोकस करो कि अब आपको अपने लाइफ में क्या करना है। अगर मैं आपको कहूँ तो आप खुद पर ज़्यादा ध्यान दो। उस इंसान ने आपके साथ सही किया गलत किया है, सारी चीज़ें पास्ट में ही रहने दो, अपने प्रेजेंट में फोकस करो और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चीज़ करके बताओ कि उस इंसान को खुद पछतावा हो आपको छोड़ने का। अगर आप उस इंसान के पीछे भागोगे तो आपकी इतनी अच्छी खासी लाइफ और बर्बाद हो जाएगी। अभी आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आपकी लाइफ में और हज़ारों नए लोग आएंगे, आपको उन लोगों के लिए जीना है बल्कि उस इंसान के लिए नहीं जीना है जो आपको छोड़कर चला गया। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर पेड कंसल्टेशन के लिए मैसेज कर सकते हो और डायरेक्टली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।